नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि किसी मोटर की हॉर्स पावर, पावर फैक्टर और वोल्टेज से उसका केवीए, किलोवाट, करंट, केवीआर, रिएक्टिव पावर ऑफ कैपेसिटर फॉर पीएफ इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं, ये कैलकुलेशन हम एग्जांपल के साथ बताएंगे और एक और तीन फेस मोटर दोनों के लिए बताएंगे। पहले मैं आपको सिंगल फेस मोटर के लिए कैलकुलेशन बताऊंगा, उसके बाद थ्री फेस का कैलकुलेशन बताऊंगा। ये जो मोटर है सिंगल फेस है, 230 वोल्ट की है और इसका पावर फैक्टर है 0.8। ये पावर फैक्टर पता होना चाहिए और ये मोटर 10 हॉर्स पावर की है। सिंगल फेस मोटर आपको 10 हॉर्स पावर की शायद ना मिले क्योंकि सिंगल फेस में छोटी मोटरें आती हैं, मगर मैंने 10 हॉर्स पावर लिया है कैलकुलेशन सिखाने के लिए। अब एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, तो 10 हॉर्स पावर कितना हो गया, 746 गुणा 10 7460 वाट हो जाएगा। इसको किलोवाट में बदलें तो 7.46 किलोवाट आता है। मतलब ये जो मोटर है सिंगल फेज 7.46 किलोवाट की है। अब इसका हमने यहाँ केवीए निकाला है, ये 7.46 किलोवाट यहाँ लिखा है और उसमें पावर फैक्टर 0.8 से डिवाइड कर दिया है, ये आएगा 9.3 केवीए। तो ये जो मोटर है 10 हॉर्स पावर की, ये 9.3 केवीए की है। इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, ये करंट यहाँ फ्लो होगी, ये वाटेज। देखिए यहाँ पे हमने किलोवाट नहीं लिया है, यहाँ हमने वाटेज लिया है। अगर आप किलोवाट लेंगे तो किलो एम्पियर में करंट आएगी, तो पॉइंट के बाद आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ हमने वाटेज लिखी है, उसको 230 वोल्ट से डिवाइड कर दिया है और पावर फैक्टर से डिवाइड कर दिया है, तो करंट आएगी 40.5 एम्पियर्स। मतलब फुल लोड पर यहाँ पे करंट बहेगी 40.5 एम्पियर। और इसका केवीआर होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, 7.46 किलोवाट। अब हमने फिर किलोवाट लिया है जिससे किलो वीएआर पता चले, मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.8 स्क्वायर, 0.8 क्या है इसका पावर फैक्टर, बटा 0.8, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 5.6 केवीएआर। मतलब 10 हॉर्स पावर की मोटर इस पावर फैक्टर की फुल लोड पर 40 एम्पियर करंट लेगी और 5.6 केवीआर इसमें रिएक्टिव पावर बह रही होगी। ये 5.6 केवीआर हमको हटाना है, इसके लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। आप जब आप कैपेसिटर लगाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे लाइन और न्यूट्रल के बीच में। इसकी प्रिकॉशन हमने बाद में बताई हैं, वो आप जरूर देखें। देखिए यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 5.6 केवीआर का, मगर लगाया हमने सिर्फ 4.5 केवीआर का। वो इसलिए कि जो मोटर होती है उसका पावर फैक्टर बदलता रहता है, लोड के हिसाब से भी और आरपीएम के हिसाब से भी। अगर आप पूरा लगा देंगे और रिक्वायरमेंट कम हुई तो ओवर वोल्टेज आ जाएगा, इसलिए थोड़ा कम लगाते हैं। दूसरा आप देखिए कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो केवीआर में किया है,
हमने आपको माइक्रो फैराडे में नहीं बताया कैप्चर की वैल्यू। जो पावर फैक्टर कंपनसेशन के कैप्चर आते हैं उनकी रेटिंग केवीआर के ही हिसाब से बताते हैं, माइक्रो फैराडे के हिसाब से नहीं बताते, मगर कैप्चर में माइक्रो फैराडे भी लिखा होता है। तो आपको कैप्चर चाहिए 4.5 केवीआर 230 वोल्ट एसी। अब हम आपको थ्री फेस मोटर का कैलकुलेशन बताएंगे। ये थ्री फेस मोटर है, 400 वोल्ट की है। ये जो 400 वोल्ट है इस लाइन और इस लाइन के बीच का वोल्टेज है, लाइन और न्यूट्रल के बीच का नहीं है, या इस लाइन और उस लाइन के बीच का वोल्टेज है। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है और पावर फैक्टर है 0.8 और ये भी 10 हार्स पावर की मोटर है। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही है, एक हार्स पावर 746 वाट का होता है, तो 10 हार्स पावर कितना हो गया, 7460 या 7.46 किलो वाट। यह कैलकुलेशन बिल्कुल वही है जैसे पहले था। और ये केवीए कितना आएगा, ये 7.46 किलो वाट डिवाइडेड बाय 0.8, ये पावर फैक्टर है, और ये ऊपर वाला किलो वाट है, तो ये बराबर आ गया 9.3 केवीए। ये भी कैलकुलेशन बिल्कुल पहले की तरह है। यहाँ करंट का कैलकुलेशन अलग है। यहाँ करंट कितनी आएगी, यहाँ ऊपर हम किलोवाट की जगह वाट लेते हैं, आप किलोवाट भी ले सकते हैं मगर उत्तर फिर किलो एम्पियर में आएगा, तो हम वाट लेते हैं। ये ऊपर वाट लिखा है 7460 डिवाइडेड बाई √3, ये वोल्टेज लिखा है 400 वोल्ट और ये 0.8 पावर फैक्टर है। सिंगल फेस में और इसमें क्या अंतर है, इसमें √3 और आ गया है नीचे, उसमें √3 नहीं था और वोल्टेज बदल गया है। वोल्टेज पहले 230 था सिंगल फेस में, यहाँ 400 है। ये आ जाएगा 13.5 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे तीनों में 13.5 एम्पियर करंट बहेगी। अब ये केवीआर का कैलकुलेशन है, केवीआर का भी पहले की तरह ही है। ये 7.46 किलोवाट है इंटू 1 - 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8, जहाँ 0.8 क्या है, पावर फैक्टर। ऐसे ही कैलकुलेट करिए आप, ये आ जाएगा 5.6 केवीआर। अभी भी देखिए उतना ही उत्तर आ रहा है, क्योंकि लोड वही है, हार्स पावर वही है, तो केवीआर भी वही होगी, पावर फैक्टर वही है। जब वोल्टेज चेंज हो गया, वोल्टेज से करंट चेंज हो जाती है, पावर नहीं चेंज होती, पावर फिक्स रहती है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन से आया 5.6 केवीआर, मगर हम पूरा नहीं लगाएंगे, हम कम लगाएंगे, मान लीजिए 4.5 केवीआर लगा दिया। तो तीन कैपेसिटर टोटल है 4.5 केवीआर। ये जो कैलकुलेशन है टोटल तीन फेज का है, एक फेज का 1/3 होगा, तो 5.6 की जगह हम कम लगा रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी के लिए 4.5 लगा रहे हैं, उसका 1/3 कर दो तो 1.5 आ जाएगा। तो आपको तीन कैपेसिटर लगाने हैं 1.5 केवीआर के। जब आप ऑर्डर करेंगे, अगर आप कैप्चर खुद लगाते हैं तो वो आपको तीन अलग अलग कैप्चर दे सकता है और तीन असेंबल भी दे सकता है, ये आपको सप्लायर से बात करनी पड़ेगी। तो आपको 1.5 केवीआर के तीन कैप्चर डेल्टा में लगाने हैं। डेल्टा में लगाने से सस्ता पड़ता है, स्टार में लगाने से थोड़ा महंगा पड़ता है, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में देखा है। अब हो सकता है बदल गया हो, आप मार्केट में काज जरूर देखें स्टार में लगाने की और डेल्टा में लगाने की। क्या होता है, ये जो कैपेसिटर हैं उसके अंदर जो फिल्म यूज होती है वो 400 वोल्ट की आती है, अब अगर वो 230 वोल्ट का बनाएं तो भी उन्हें वही फिल्म यूज करनी पड़ती है,
तो 400 वोल्ट वाले कैपेसिटर को ही वो 230 वोल्ट कर देते हैं, इस तरह वो महंगा हो जाता है। अब प्रिकॉशंस क्या होता है, जो मोटर का केवीआर है वो लोड और आरपीएम दोनों पे डिपेंड करता है। इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो, केवीआर बदल जाएगा मोटर का या पिया बदल जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट भी बदल जाएगी, तो बार बार अलग अलग कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर लगाते हैं। दूसरा क्या, ओवर कंपनसेशन विल जनरेट ओवर वोल्टेज। यहाँ पर अगर आपने फिक्स कैपेसिटर लगा दिया कैलकुलेट करके और लोड कम हो गया तो वो ओवर कंपनसेशन हो जाएगा और ओवर वोल्टेज जनरेट होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप ऑटोमेटिक लगाइए या ऑलवेज यूज लिटिल लेस, जितना आपने कैलकुलेट किया हो केवीआर का कैपेसिटर उससे थोड़ा कम लगाइए, जिससे ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम ना हो या कम हो जाए। अब अगर पीएफ आपको पता नहीं है तो एक पीएफ मीटर लेकर के फुल लोड पर उसको मेजर करें, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करें। अब पांचवा है कि थ्री फेस मोटर के लिए जो कैपेसिटर हैं वो डेल्टा में कनेक्ट करें, इससे उसकी कास्ट कम हो जाएगी, आपको चीप मिलेगा। स्टार में लगाने पर आपको कुछ कास्टली पड़ सकता है, ये हमारे अनुभव के हिसाब से है। छठा है कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो एमसीबी ट्रिप हो सकता है, कैपेसिटर में हैवी करंट बह सकती है, तो आपको एमसीबी का साइज फिर से डिसाइड करना पड़ेगा, हो सकता है बड़ा साइज लगाना पड़े। और सातवां है, बेटर टू यूज ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। अगर आप ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर यूज करते हैं तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी और लोड या आरपीएम चेंज होने से भी पावर फैक्टर बढ़िया आता रहेगा, नहीं तो बार बार कम ज़्यादा होता रहेगा पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाने के बावजूद भी, क्योंकि लोड और आरपीएम से पावर फैक्टर बदलता रहता है। आप आज यहीं समाप्त करते हैं।